हेलो दोस्तों, आज की हमारी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर। इससे पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। आज की जो कविता है इसमें मैंने इस कविता की शॉर्ट समरी बताने की कोशिश की है। इस कविता को श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है और इसका मूल सारांश अगर दो शब्दों में बात करें तो बात आती है प्राकृतिक सुषमा। दो शब्दों में अगर इस कविता का वर्णन करें तो वो है प्राकृतिक सुषमा। कवि ने ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन इसमें किया है। सुषमा का तात्पर्य होता है सुंदरता। कवि इस सुंदरता का वर्णन कब करता है? जब वो चंद्रगहना नाम के एक गांव से लौट करके आता है, और जब वो रास्ते में आता है तो उसे सरसों के खेत, चने के खेत और सब प्रकार की फसल दिखाई देती है। उस फसल को देख करके कवि का मन कविता लिखने के लिए कहता है और वह अपनी पैनी दृष्टि से वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानता है और उसके बारे में यह एक सुंदर सी कविता की रचना करता है कि देख आया चंद्र गहना। मेरी सबसे प्यारी कविता है देख आया चंद्र गहना। क्या देखता है वो रास्ते में? वो एक खेत की दीवार पर बैठ जाता है और वहां पर चने के खेत देखता है। वहां पर एक हथेली के बराबर गुलाबी फूलों से लदा हुआ चने का छोटा सा पौधा लगा हुआ है। चने के पौधों में अलसी अपने आप उग जाती है, ये स्वतः उग जाती है, उगाना नहीं होता है अलसी को। तो अलसी के छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं। उन अलसी के पौधे जो होते हैं उस पर नीले रंग का फूल होता है। गुलाबी और नीले और हरे रंग का मेल जो है कवि को बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, अत्यंत मनोरम दिखाई देता है और इसी दृश्य को वह अपनी कविता में बताता है। पास ही गेहूं के खेत में सरसों भी उगी हुई थी और उस पर पीले पीले फूल लगे हुए थे। सरसों का पौधा चने के पौधे से बड़ा होता है। अगर आप कभी खेत में जाकर देखेंगे तो जान जाएंगे। और उसे देख करके कवि के मन में विवाह मंडप की कल्पना आती है। विवाह मंडप क्या होता है? शादी का मंडप, जहाँ पर शादी हो रही है। तो उसे लगता है कि सरसों की शादी हो रही है और पीले फूल देख करके उसे लगता है कि सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हल्दी लगाई जाती है शादी में लड़कियों को, तो कवि को लगता है कि सरसों ने भी अपने हाथों में मेहंदी नहीं हल्दी से हाथ पीले कर लिए हैं। और कवि फाल्गुन के महीने की प्रकृति के बारे में ये बताता है कि शादी में ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन का महीना गीत गा रहा है। यानी फाल्गुन का महीना जो होता है होली के आसपास आता है, तो उस समय पर काफ़ी प्रकृति सुंदर हो जाती है, फल फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो कवि कहता है कि ऐसे लग रहा है कि फाल्गुन का महीना गीत गा रहा है इस शादी में। और पास ही तालाब है, वहाँ पर वातावरण बिल्कुल शांत है और कवि कहता है कि विभिन्न पक्षियों की वहाँ आवाज़ आ रही है और इस कारण से वहाँ का वातावरण काफ़ी मधुर बन गया है। गाँव से थोड़ी दूर पर रेत के बड़े बड़े टीले थे और वहाँ का वातावरण भी शहरों के वातावरण से शांत था। उन टीलों के बीच में से एक रेल की पटरी जा रही थी जो वहाँ की एकांतता को तोड़ती है और अनोखी हलचल मचा देती है। और अगर बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कविता का मूल भाव प्रकृति की छटा का वर्णन करता है, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। और यह कविता कवि अपने इस लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। मेरे इसके अगर चंद्र गहना के आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखने हैं तो मैंने इसमें अपने चैनल पर सभी वीडियोस बना रखे हैं, कई सारे हैं, 5 या 6 होंगे, तो आप वो सब देख सकते हैं। कविता के संबंध में आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कवि कहाँ से लौट रहा था? आज का होमवर्क यदि इसकी बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कवि कहाँ से लौट रहा था।